दुनिया की भारतीय संस्कृति वो सिंधी संस्कृति, सिंधु संस्कृति है, सभ्यता है। उसके बाद आगे के कदम हमारे संस्कारों का है, बच्चे आगे बढ़े, विकास करें, डेवलपमेंट करें और विकास के साथ आगे बढ़े। यहाँ पर नम्रता चंदानी की हत्या के लिए और ऐसी जाने कितनी ही मासूम लड़कियाँ जो कि वहाँ पे पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, उन्हें जबरन धर्मांतरण के लिए उठा लिया जाता है और उनका निकाह किसी और से कर दिया जाता है और उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। उन सारी कन्याओं के लिए, उन सारी बच्चियों के लिए हम सब यहाँ पे अपना आक्रोश प्रकट करने आए हैं, मोदी जी को बताने आए हैं कि मोदी जी हमारे दिल में बहुत दुख है, अब आपको कोई कदम उठा लेना चाहिए और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए, उससे बलोचिस्तान और सिंध अलग हो जाना चाहिए। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग की है कि जल्द ही पाकिस्तान के दो टुकड़े कर, सिंध और बलूचिस्तान के दो टुकड़े कर पुनः सिंध को भारत में मिलाया जाए, क्योंकि सिंध के बिना हिंद अधूरा है। ये हमारी एक मांग है और जो शुरुआत से चली आ रही है, सिंध के बिना हिंद अधूरा है। जिस प्रकार सिंध में भी कई बार आंदोलन हो चुके हैं, पाकिस्तान से अलग होने के आंदोलन हो चुके हैं, उसी प्रकार हमने उनकी आवाज को बुलंदी देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदू समाज की रक्षा हो, हिंदू धर्म की रक्षा हो, और यही मांग हम नरेंद्र मोदी जी से करते हैं। हमारी मांग बस यही है कि अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान में प्रोटेक्शन दी जाए और उनके भविष्य का ख्याल रखा जाए। ये जो बच्ची डॉक्टर थी, जो ये अगर डॉक्टर बन जाती तो वहाँ पाकिस्तान को ही उसने फायदा पहुँचाना था, वो उसी को उन्होंने मार दिया। अपनी राजनीति और रिलीजियस जो भी उनकी सोच है, वो उन्होंने अपना ही नुकसान किया है और आगे भी हम ये लड़ाई जारी रखेंगे।